Hey my lovelies, welcome back to my channel. This is Manjri and you are watching Creative Bubbles. If you are new on my channel, please do considering to subscribe my channel. Today I am here with another Ajio Western Dresses Haul video, which is part of my last video. लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ स्कर्ट्स और टॉप लेकर आई थी, यू नो पार्टी वेयर टॉप्स एंड स्कर्ट्स. मैंने आपको उस वीडियो में कहा था कि मैं उसका एक और पार्ट लेकर आने वाली हूँ. हेयर आई एम विद अनदर पार्ट ऑफ दैट वीडियो और इसमें मैं आप लोगों के लिए कुछ और टॉप्स और कुछ और स्कर्ट्स लेकर आई हूँ. बेसिकली टॉप्स तो पार्टी वेयर लुक आप दे सकते हो, एक्चुअली वो सब हॉजरी टॉप हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, समर्स के लिए बहुत अच्छा फैब्रिक है, विच आर रियली रियली कंफर्टेबल और उसे आप स्टाइल कर सकते हो एज यू वांट. लेट्स जंप टू द वीडियो. ओके, तो आज का सबसे पहला टॉप है ये टॉप जो मैंने पहना हुआ है. ये कलर आजकल बहुत इन है और आप मेरी मीशो हॉल वीडियो में एक ड्रेस देख सकते हैं जो इसी कलर की है. मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत सूट किया, तो इसलिए मैंने सेम कलर की एक और टॉप ले ली. एक्चुअली हॉजरी फैब्रिक नहीं है बट ये बहुत अच्छा फैब्रिक है, बहुत कंफर्टेबल है, समर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है. इसकी स्लीव्स कुछ इस तरह की हैं, यहाँ से इस तरह से पफ दिया हुआ है और इसकी लेंथ तो नॉर्मल लेंथ है, इतनी लेंथ है इसकी और बैक से कुछ सिंपल राउंड शेप नेक है. कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छी वाइब्स दे रही है, मतलब समर्स के लिए बहुत कूल फीलिंग लग रही है. और क्योंकि इसके साथ मुझे वाइट स्कर्ट पहननी थी बट आजियो पे कोई भी वाइट स्कर्ट डिस्काउंट में नहीं थी. सिमिलर प्रोडक्ट होगा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. और ये मेरे पास फैब्रिक रखा हुआ था, ये कुछ लेस फैब्रिक है वैसे, तो ये वाइट स्कर्ट मैंने खुद डिज़ाइन की है, खुद बनाई है, तो मैंने इसके साथ वाइट कलर की स्कर्ट वियर की है. आप चाहें तो इसे ब्लैक के साथ भी पहन सकते हैं, जीन के साथ भी पहन सकते हैं. मुझे वेस्टर्न ड्रेसेस कुछ स्कर्ट लुक में लेनी थी इसलिए मैंने इसे वाइट ड्रेस के साथ, वाइट स्कर्ट के साथ वियर किया है. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना दूसरा टॉप. ये हमारा नेक्स्ट टॉप, कलर बहुत अच्छा है. एक्चुअली मेरे पास इस कलर का कुछ भी नहीं था, इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं तो आप वो कलर ले सकते हो. मुझे ये कलर चाहिए था, मेरे पास था भी नहीं तो इसलिए मैंने ये कलर लिया. और ये बहुत अच्छा सिल्क, मतलब रेयन और सिल्क पता नहीं क्या, बहुत सॉफ्ट सा फैब्रिक है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, बहुत कंफर्टेबल है. इसकी स्लीव्स बहुत लंबी हैं, फुल स्लीव्स हैं बिल्कुल, और मुझे तो थोड़ा ऐसे आगे आगे तक आ रही थी यहाँ तक. और इसमें यहाँ पर इस तरह से बटन दिया हुआ है, शोल्डर से थोड़ी पफ स्लीव्स हैं बिल्कुल. ये इस तरह से ना इलास्टिक का यहाँ पर डिटेलिंग की हुई है, बैक पर भी दिया हुआ है कुछ इस तरह से और बैक पे यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है. जैसे बटन को खोलने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये मुझे ऐसे ही आ गया. और ये मैंने एम साइज़ ऑर्डर किया है तो ये बहुत प्यारा कलर भी लग रहा है, पार्टी वेयर लुक देगा. इसे मैं ब्लैक स्कर्ट के साथ भी वियर कर सकती हूँ बट मैंने इसे किसी डिफरेंट स्कर्ट के साथ, एक प्रिंटेड स्कर्ट के साथ वियर किया है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ. मैंने इस स्कर्ट के साथ वियर किया है, कितनी प्यारी स्कर्ट लग रही है और अब तक की मेरी ये फेवरेट स्कर्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगी. वैसे तो सारी स्कर्ट्स बहुत अच्छी है बट ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. ये एक्चुअली जॉर्जेट फैब्रिक पे है और बहुत अच्छा फैब्रिक है ना. ऐसे फ्रंट में स्लिट भी दी हुई है एक और यहाँ पर ये कुछ इस तरह का इन्होंने पैटर्न दिया हुआ है और यहाँ पर फ्रंट में ऐसे डिटेलिंग की हुई है. और इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा, कलर भी बहुत डिफरेंट है और फ्रंट से तो ऐसे प्लेन बट बैक से ऐसे इलास्टिक मिलती है हमें यहाँ पर. नीचे की साइड से इसे कुछ फ्रिल लुक दी गई है, कलर भी बहुत डिफरेंट है और मैंने इसका 30 साइज़ ऑर्डर किया है. कलर और प्रिंट दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं, समर्स के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं. और इसके साथ वैसे मैं वाइट कलर, मतलब बहुत सारे कलर हैं तो हम इसके साथ कोई भी कलर का टी शर्ट, टॉप, कुछ भी इसके साथ वियर कर सकते हैं. पिक्चर में तो इसे ब्लैक टॉप के साथ वियर किया हुआ था
तो आई थिंक उसके साथ भी अच्छा लगेगा। उस मॉडल पे तो बहुत अच्छा लग रहा था, और ये वाइट टी शर्ट के साथ भी अच्छा लग सकता है, पिंक के साथ भी अच्छा लग सकता है, रस्ट ऑरेंज काफ़ी सारे कलर्स के साथ ये जा सकता है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत डिफरेंट कलर है और बहुत सारे कलर्स हैं इसके अंदर। ये है हमारा नेक्स्ट टॉप, और नेक पे इसके इस तरह से इलास्टिक दी हुई है, आगे नॉट बांधने के लिए इस तरह से दिया हुआ है, और यहाँ पर नीचे की साइड टैसल्स दिए हुए हैं जो स्प्रिंग के साथ प्रॉपर मैचिंग है। हमें मिलती है इतनी लंबी स्लीव्स, इतनी लॉन्ग है ये स्लीव्स, 1/3 स्लीव्स हमें मिलती हैं। स्लीव्स पे कुछ इस तरह की डिटेलिंग की हुई है, इतना प्यारा प्रिंट दिया हुआ है, और यहाँ पर इलास्टिक दी हुई है। बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है समर्स के लिए, स्वेट प्रूफ है, बहुत अच्छा है। थोड़ा आपको लगेगा डार्क कलर, बट ऐसा नहीं है, समर्स के लिए अच्छा कलर है, आप ले सकते हो। एक डेनिम स्कर्ट, मेरे पास डेनिम में एक भी स्कर्ट नहीं थी, और ये स्काई ब्लू कलर है। मैंने इसका 30 साइज ही ऑर्डर किया, बट ये मुझे थोड़ा सा लूज आ रहा है। यहाँ पर इसके ना पीछे ऐसे इलास्टिक भी हुई है, बट फिर भी थोड़ा सा मुझे लूज़ है, मतलब जैसे मेरी फिटिंग होती है 30 वेस्ट में, बट ये नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा सा लूज़ आ रहा है। और ये आगे इस तरह से बटन्स लगे हुए हैं, और फ्रंट स्लिट है, नी लेंथ से नीचे आ रही है मुझे। ये प्यारी स्कर्ट है, इसे तो आप टी शर्ट्स के साथ, टॉप के साथ, किसी के साथ भी वियर कर सकते हो। इज दिस टॉप, इसकी भी स्लीव्स इतनी ही लंबी हैं, काफ़ी लंबी हैं। इसका प्रिंट देखो कितना प्यारा है, अच्छा सा येलो कलर है, ये मस्टर्ड येलो है। तो आपको दिख रहा है कलर, वैसे कलर है। ये मेरी डेनिम स्कर्ट पे भी बहुत अच्छा जा रहा था, और ब्लैक स्कर्ट के साथ भी बहुत अच्छा जा रहा है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से इलास्टिक है, कुछ क्रू नेक दिया हुआ है, इसके भी 1/3 स्लीव्स हैं, प्रॉपर लेंथ है इस टॉप की, और इसे मैंने वियर किया है ब्लैक स्कर्ट के साथ, क्योंकि ब्लैक स्कर्ट है। इसके आप दो कलर मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर चेक कर लेना। ये उसी का ही एक ब्लैक कलर है, सेम प्लीटेड स्कर्ट। आज की हॉल वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कौन सी टॉप या कौन सी स्कर्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आप लेना चाहेंगे, सो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज शो योर लव एंड सपोर्ट विद योर कमेंट्स एंड लाइक्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।